पर अभी निर्माण करना बाकी है, वहां पर विकास करना बाकी है। और इसी बीच वाराणसी से खबर आ रही है, वाराणसी से आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मसले को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। आज ज्ञानव्यापी मामले में महत्वपूर्ण दिन है और आज सुनवाई होनी है कई अहम चीजों को लेकर के, और इसके साथ ही आज फैसला भी आना है कोर्ट के साथ। नियम 11 पर शुरू होगा और इसके साथ ही बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानव्यापी केस में आज जिला अदालत में अहम सुनवाई होने जा रही है, तो आज ज्ञानव्यापी मसले पर सुनवाई होने जा रही है। आज तय होगा केस चलने लायक है या नहीं, तो लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। तो अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि जब सुनवाई होगी तो उस दौरान ये देखा जाएगा कि सुनवाई होने लायक है या नहीं। तो जिला जज अजय कुमार विश्वेश आज सुनवाई करने जा रहे हैं और सोनाली पाटवा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनाली, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, आज कई अहम मसलों पर सुनवाई होने जा रही है और साफ तौर पर जो वादी और प्रतिवादी की तरफ से लगातार जो आक्षेप और वाद विवाद चल रहा था, तो आज कोर्ट ये तय करेगा कि इस मसले पर सुनवाई होनी है या नहीं। जी, आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी आज वाराणसी की जिला अदालत में अहम सुनवाई होने वाली। आज 26 मई का दिन तय किया गया था ये सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज के पास यह जो केस है वो गया था। आपको बता दें कि आज सबसे पहले जब अदालत में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जिला जज के सामने रहेंगे तो सबसे पहले 7/11 पे आज सुनवाई होने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब जिला जज को ये केस हैंडल करने के लिए दिया था तो उनका साफ तौर पे कहना था कि सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से 7/11 को लेकर उनकी तरफ से अर्जी थी उस पर सुनवाई हो। तो आज जो जब जिला जज एक ही विशेष सुनवाई करेंगे तो सबसे पहले 7/11 को लेकर करने वाले हैं और आज ही तय होगा कि 7/11 की केस चलने लायक है या नहीं है उचित। और वहीं हिंदू पक्ष भी आज अपनी तरफ से जो भी दलीलें हैं वो भी रखने वाला है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो उन्होंने सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट मांगी थी जज से, तो आज वो भी मिलने की पूरी संभावना है कि वो भी आज सुनवाई के समय मिल सके। और आज की जो सुनवाई की प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वो 2 बजे से आज स्टार्ट होने वाला है, शुरुआत होगी उसकी। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें आज रखने वाला है और साथ ही साथ कोर्ट जो जिला जज है उन्होंने पूरे 1 हफ्ते का हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को अपनी कमीशन रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन करने का भी टाइम दिया है। तो ये बता सकते हैं कि आज का दिन जो है वो अहम होने वाला है। 7/11 को लेकर सबसे पहले सुनवाई होगी और यह सुनवाई 2 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है। जी सोनाली, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर एक खबर बता रहे हैं वाराणसी से, जहाँ पर आज ज्ञानव्यापी मामले पर महत्वपूर्ण दिन है और आज 2 बजे सुनवाई होने जा रही है।